तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नंबर की औसम सीरीज लेकर आ चुका हूँ जिसके डिजाइनिंग और ग्राफिक्स बिल्कुल इमोर्टलिटी सीरीज की तरह है, क्योंकि इसको भी उसी स्टूडियो ने बनाया है। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेलेस्टियल ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है और ये कई सालों के बाद पेंगबाव लेक से बाहर निकल कर आया था, जिसकी वजह से जैसे ही इन लोगों को इसके बारे में पता लगा तो वो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आ गए। वो उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने बीस्ट से भी हमला करवा रहे थे, जिस वजह से उस सेलेस्टियल ब्लू ड्रैगन को वहाँ से भागने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए वो उनमें से कुछ लोगों को नीचे गिरा देता है, लेकिन उनके बीस्ट ने उनको बचा लिया था। इसके बाद तो सेलेस्टियल ब्लू ड्रैगन भी उन पर हमला करने लगता है, जहां वो अपने मुंह से काफी सारी फायर रिलीज कर रहा था, लेकिन उन लोगों को तो इससे कोई भी डर नहीं लगता। उल्टा वो अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा नेट आ गया था और उस नेट की मदद से उसने उस ड्रैगन को भी पकड़ लिया था। लेकिन वो ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन तो था नहीं, इसलिए वो अपनी थोड़ी सी पावर्स यूज करने के बाद ही उस नेट से आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन वहां से तुरंत ही भागने लगा था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि इन लोगों से फाइट करना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो वहीं वो लोग भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिसके बाद तो उन लोगों ने वहां पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिस फॉर्मेशन में से एक पावरफुल लाइटनिंग आकर उस ड्रैगन को हिट करती है, जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल ब्लू ड्रैगन नीचे की तरफ गिरने लग गया था और वो ड्रैगन नाइटमेयर आइलैंड के अंदर जाकर गिर जाता है, जिसका पीछा करते करते तो वो लोग भी उसको देखने लग गए थे। लेकिन वो ड्रैगन काफी चालाक था, उसने अपने आप को एक छोटे से कैटरपिलर में चेंज कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम चुमू था। उसकी पूरी फैमिली को कुछ लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही वो अपनी फैमिली का इकलौता वारिस बचा हुआ था। वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहां से भाग रहा था, क्योंकि उसका पीछा कुछ बीस्ट कर रहे थे। इसके बाद उनमें से कुछ लोगों को वो बीस्ट मार डालते हैं, जो कि कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं थे, बल्कि ये सभी सोल बीस्ट थे। तभी वो सारे लोग चूमू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद उनका लीडर कहता है कि अब तो तुम अपनी फैमिली में इकलौते ही बचे हुए हो, चलो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसके एक बंदे को कुछ तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद उसकी बॉडी में से एक वाइट डीमन बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर तो सभी के सभी लोग काफी डर गए थे और कहने लगे थे कि इस वाइट डीमन ने उसकी बॉडी पे एनकाउंटर अटैक कर दिया। इसके बाद वो वाइट डीमन भी उन लोगों पे अटैक करने लगता है, जहां वो वाइट डीमन उन लोगों की पूरी तरीके से सोल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से एक बंदे की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद वो वाइट डीमन लगातार ही काफी सारे लोगों की सोल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिस वजह से वहां पर खड़े लोग कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाते। जिसके बाद हमें उन लोगों के हेड का नाम पता चलता है, जिसका नाम काओ होता है। तभी उस व्हाइट डीमन के नीचे एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं। इसके बाद हमें काओ के मास्टर का भी नाम पता चलता है, जिसका नाम जिया हान होता है, जिसे देखने के बाद तो वो सभी के सभी उसके सामने नील डाउन कर देते हैं। इसके बाद वो बंदा कहता है कि उस बंदे के पास तो इतनी भी पावर नहीं थी कि वो इस व्हाइट डीमन को भी पहले लेवल के अंदर कल्टीवेट करवा सके। इसके बाद वो उस व्हाइट डीमन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्हाइट डीमन की पावर सच में काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उसने उस केज को भी आसानी से तोड़ दिया था। इसके बाद वो डीमन फिर से लोगों की सोल एनर्जी को खाने में लग जाता है, और इस बार तो उस व्हाइट डीमन ने चूमू के एक फ्रेंड पे ही अटैक किया था, जिसकी वजह से चूमू को काफी गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने भी चला गया था, जिन दोनों के क्लैश से वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखकर ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद वो ऊपर बैठा बंदा उस व्हाइट डीमन को चूमू की बॉडी के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से चूमू वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा ब्लू डीमन आइसलैंड ले रहा हूँ, इस लड़के को जब तक जिंदा रखो जब तक कि वो व्हाइट डीमन इसकी बॉडी से खुद ब खुद बाहर ना आ जाए। इसके बाद वो बंदा वहां से चला गया था। तभी उसका एक आदमी उससे बोलता है कि मास्टर काओ, ये लड़का चू फैमिली का यंग मास्टर है, हम इसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिस पर काओ उससे कहता है कि तुमने अभी ध्यान से नहीं सुना कि हमारे मास्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जब तक इसके अंदर वो व्हाइट डायमंड है तब तक हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते।
और वैसे भी मुझे लगता है कि इसकी सोल पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसके बाद वो वाइट डीमन खुद ही अपने आप इसकी बॉडी से जल्दी बाहर आ जाएगा। जिसके बाद हमें उस वाइट डीमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि वो वाइट डीमन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने मास्टर की सोल पावर का यूज करता है, और अगर उसे अपने मास्टर से इनफ मात्रा में सोल एनर्जी नहीं मिले तो वो अपने मास्टर को ही जान से मारने लगता है। और यहाँ तक कि ये वाइट डीमन एक हाईएस्ट रैंकिंग का डीमन है जो कि मोनार्च लेवल तक अपग्रेड हो सकता है, और एक बार ये मोनार्च लेवल पे पहुँच जाए तो इसके बाद ही हम इसकी पूरी की पूरी पावर्स का यूज कर पाएंगे। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चूमू को बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही जिंदा रखा गया था, लेकिन उसकी लाइफ काओ ने बिल्कुल बर्बाद कर रखी थी। वो वहाँ पर एक गेम प्ले को शुरू करवाता है जिनमें के सभी पार्टिसिपेंट्स को आखिरी तक जिंदा रहना पड़ेगा, और वहाँ पर काओ का बंदा अपने सोल पैट को समन करता है जो कि एक ब्लैक वुल्फ था, और वो भी तादाद में काफ़ी सारे थे। जिसके बाद काओ कहता है कि अब ये गेम स्टार्ट होता है। उसके इतना कहते ही वो बीस्ट उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक वुल्फ उन लोगों को लगातार ही मारे जा रहे थे। उन लोगों को इतना डरता हुआ देखकर तो काओ काफी खुश हो गया था और कहने लगा था भागो भागो अपनी जान बचाओ। तो वहीं चूमू भी इस बात से काफी डरा हुआ था क्योंकि उसके पास अभी उतनी पावर नहीं थी कि वो काओ के बंदों के साथ भी अभी लड़ सके। तभी उनमें से एक बीस्ट चूमू के एक साथी पर अटैक करने आता है, लेकिन वो बंदा चूमू और एक लड़की को आगे धकेल देता है और खुद पीछे जाके दुबक जाता है, लेकिन चूमू ने तो अपनी जान किसी भी तरीके से बचा ली थी। इसके बाद वो ब्लैक वुल्फ उस लड़की की तरफ बढ़ गया था, लेकिन सही वक्त पर चूमू उसे भी वहां से बचा लेता है। तो वहीं हमें उस मोटे आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम जू सेंग था। तो वहीं दूसरी तरफ चूमू उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना चाहिए, ये वुल्फ एक तरीके से पागल हो चुका है। तो वहीं वो वुल्फ चूमू पर काफी सारे अटैक्स करता है, जिनमें से कुछ अटैक्स को चूमू तो डॉच कर लेता है, लेकिन पीछे से वो वुल्फ ने उस पर अटैक कर दिया था जिस वजह से चूमू वहां पर घायल हो जाता है, जो देखकर तो काओ काफी खुश हो गया था और कहने लगा था अब मैं देखता हूँ कि चूमू का बच्चा कैसे बच पाता है। लेकिन तभी एक बंदा मैच को खत्म करने वाला बैल बजा देता है, जिस वजह से वो बंदा अपने सारे वुल्फ को अपने पास रख लेता है। तो वहीं काओ को उस बंदे पे काफी गुस्सा आता है, जो देखकर तो वो बंदा काओ को नीचे नील डाउन करता है और कहता है कि मास्टर काओ मैंने तो बस रूल्स के हिसाब से ही अभी बैल बजाई है। तो वहीं काओ कहता है तुम्हें आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी, साथ ही वो अपने लात से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो सभी के सामने आते हुए कहता है कि आज ये मैच यहीं पर खत्म होता है, जितने भी लोग आज यहाँ पर सरवाइव करे हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और कल फिर से ये दोबारा से मैच शुरू होगा, और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों मैंने अपने सेकंड चैनल पर पीएलएस बैटल स्पिरिट्स को एक्सप्लेन कर रखा है, आपको राइट साइड में वीडियो शो हो रही होगी, उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।